हाय स्टूडेंट्स, वेल हम लोग तो अभी ऑलरेडी सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस, उनके मोलिक्यूलर अरेंजमेंट, इन सब के बारे में पढ़ रहे थे। उसके बाद जो हम लोग ने चेंज इन स्टेट के बारे में बात की, किस तरीके से जो है मैटर जो है उसका फॉर्म चेंज हो सकता है, राइट, आई मीन इवेपोरेट भी हो सकता है, लिक्विड जो है वो इवेपोरेट होकर गैस में बदल सकता है, कंडेंसेशन के थ्रू जो है गैस जो है वो लिक्विड में बदल सकता है, राइट, या फिर मेल्टिंग के थ्रू सॉलिड जो है वो लिक्विड में बदल सकता है, या फिर फ्रीजिंग के थ्रू जो है लिक्विड जो है वो सॉलिड में बदल सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख लिया है ऑलरेडी, राइट। अब हम बात करने वाले हैं कि किस तरीके से जो डिफरेंट आई मीन जो कोई मैटर जो डिफरेंट स्टेट में है वो वाटर में किस तरीके से उसका जो है कह सकते हो कि वाटर के साथ उसका कैसा रिलेशन रहता है, ठीक है। तो वी आर गोइंग टू लुक एट यू नो लाइक सॉलिड्स इन वाटर, लिक्विड्स इन वाटर एंड गैसेस इन वाटर। क्योंकि देखो वाटर जो है वो एक ऐसा कह सकते हो कि मैटर है खुद में, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है वो डिजॉल्व हो सकती हैं, घुल सकती हैं, और एक्चुअली घुलती भी हैं, ठीक है ना। शरबत पीते हो आप लोग, याद ही होगा आपको। तो हम ये भी देखते हैं। तो मान लो कि अगर आप एक ग्लास पानी लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास पानी ले लो आप, ठीक है, टेक अ ग्लास ऑफ वाटर एंड देन एड अ फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ सुगर इन इट एंड स्टिल स्टर, ओके। कुछ जो है चीनी का जो टुकड़ा है वो इसमें डाल दो आप, ठीक है, और फिर इसको स्टर करो, मतलब कि उसको हिलाओ। यू फाइंड दैट द पार्टिकल्स ऑफ सुगर डिसअपीयर। आप देखिएगा कि जो शुगर के जो कण हैं वो जो है गायब हो जाते हैं। नाउ वेयर हैव द शुगर पार्टिकल्स गॉन, ये शुगर पार्टिकल किधर चला गया? वेल द मोलिक्यूल्स ऑफ शुगर टेक्स अप द स्पेस बिटवीन द मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर। शुगर जो है वो क्या करता है, उसके शुगर के जो मोलिक्यूल्स हैं वो बेसिकली जो वाटर मोलिक्यूल्स हैं उनके बीच वाले स्पेस में घुस जाता है, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है कि आपको चीनी जो है दिखेगा नहीं उसके बाद, क्योंकि चीनी का मॉलिक्यूल जो है वो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है गायब हो गया है। इसी को हम कहते हैं कि सुगर जो है वो चीनी में घुल गया है, राइट। हम लोग कह सकते हैं दैट सुगर गेट्स डिजॉल्व इन वाटर, सुगर सुगर जो है वो चीनी वाटर में डिजॉल्व घुल सकता है। नाउ लेट अस लुक एट लिक्विड्स इन वाटर। तो आपने देखा होगा कि यू मस्ट हैव सीन अ पेंटर रिमूविंग पेंट फ्रॉम हिज हैंड बाय यूजिंग टर्पेंटाइन ऑयल नॉट वाटर। आपने कई बार देखा होगा पेंटर जो है अपने हाथ को जो साफ करता है ना, पेंटर अपने हाथ को पानी से नहीं साफ करता है, वो टर्पेंटाइन ऑयल यूज करता है, ओके। दिस इज बिकॉज पेंट्स गेट डिजॉल्व इन टर्पेंटाइन ऑयल एंड कैन इजिली बी रिमूव्ड। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेंट्स जो है वो पेंटिंग पेंट जो कलर करने के लिए यूज करते हैं पेंटर्स, वो टर्पेंटाइन ऑयल में इजिली वो घुल जाता है, ठीक है, और उसको हटाया जा सकता है उससे। वेयर एज इट डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, जबकि वो पानी में नहीं घुलता है। सो वाटर कैन नॉट बी यूज टू रिमूव टर्पेंटाइन ऑयल। तो इसलिए जो है वाटर जो है एक्चुअली पेंट को हटाने में यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है, फॉरगेट अबाउट दिस पार्ट। अब लेकिन कुछ जो लिक्विड्स हैं, सम ऑफ द लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर डिजॉल्व इन ईच अदर। कुछ लिक्विड्स लेकिन हैं जिनको अगर आप आपस में मिलाओगे तो वो डिजॉल्व हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल लिक्विड्स लाइक ग्लिसरीन एंड एल्कोहल डिजॉल्व इन वाटर। जैसे ग्लिसरीन और एल्कोहल जैसे जो लिक्विड्स है वो पानी में घुल जाते हैं, ठीक है। हाउएवर सम लिक्विड्स व्हेन मिक्स टुगेदर डू नॉट डिजॉल्व इन ईच अदर, ओके। लेकिन कुछ ऐसे भी लिक्विड्स हैं जिनको अगर आप आपस में मिलाओगे तो वो डिजॉल्व नहीं होंगे, एक दूसरे में घुलेंगे नहीं वो। इसका एग्जाम्पल क्या है? तो केरोसिन ऑयल, वेजिटेबल ऑयल। अगर आप केरोसिन किरासन तेल और खाना बनाने वाले ऑयल दोनों को अगर आप मिलाओगे, दोनों को अगर आप पानी में मिलाने की कोशिश करोगे, दोनों में से कोई भी आपके पानी में नहीं मिलेगा, डिजॉल्व नहीं होगा। अब देखते हैं गैसेस का, कि गैसेस वाटर में डिजॉल्व होती हैं कैसे। नाउ व्हेन यू बॉइल वाटर यू ऑब्जर्व सम बबल्स आर फॉर्म्ड अलोंग द साइड ऑफ द बीकर, ओके। बेसिकली जब आप पानी को गर्म करोगे तो बीकर, पता है ना, इसमें पानी गर्म कर सकते हैं, करते हैं लैब वगैरह में, तो आप देखोगे कि आप जब पानी को गर्म करते हो तो फिर कुछ बुलबुला टाइप का बबल्स वगैरह जो है वो बीकर के साइड में, बर्तन के साइड में जो है आपका बनने लगता है। इनफैक्ट ये चीज जो है आप अगर आप नॉर्मल किसी पैन में भी अगर आप पानी गर्म करिएगा तो वहां पर आप नोटिस करिएगा कि साइड से जो है साइड साइड से कुछ कुछ बुलबुला टाइप का बन जाता है। दीज आर द डिजॉल्व्ड गैसेस दैट गेट सेपरेटेड फ्रॉम वाटर ऑन हीटिंग। ये सब एक्चुअली घुली हुई गैसेज हैं जो कि गर्म होने पर जो है पानी से सेपरेट हो रही है, पानी से अलग हो रही है। द गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसी गैसेज जो है वो पानी में घुल जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल वाटर इन रिवर्स ओशंस एंड लेक्स हैव ऑक्सीजन डिजॉल्व इन इट, ओके। फॉर एग्जाम्पल आप चाहे नदी के पानी को देखो, समुद्र के पानी को देखो, या झील के पानी को देखो, सबके अंदर पानी ऑक्सीजन घुला हुआ है। इनफैक्ट मछली वगैरह कहाँ से सांस लेती है? वो उसी पानी में घुले हुए ऑक्सीजन को सांस लेती है, राइट। पेड़ पौधे जो हैं उनको कहाँ से मिलता है ऑक्सीजन भी चाहिए ना उनको, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए ना उनको, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? पानी के नीचे वाले पौधों को,
वो भी जो है जो पानी में घुला हुआ है उसी से लेते हैं वो। तो आप लोगों ने देखा होगा दैट व्हेन यू ओपन द बॉटल्स ऑफ एरेटेड ड्रिंक्स जैसे स्प्राइट थम्सअप ये सब, देन बबल्स ऑफ गैस कम आउट, तो उसमें भी सभी जो है बबल्स निकलता है ना आपका, बुलबुला टाइप का निकलता है ना गैस का। दीज आर बबल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस विच हैव बीन डिजॉल्व इन वाटर अंडर ग्रेट प्रेशर। ये जो है बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुले हैं जिनको काफी प्रेशर में जो है उसके अंदर डिजॉल्व किया गया है, घुलवाया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि लाइक सर्टेन सॉलिड्स एंड लिक्विड्स एंड गैसेस गेट डिजॉल्व इन वाटर, वो पानी में घुल जाते हैं और कुछ जो है वो पानी में नहीं घुलते हैं। ओके, नाउ इफ यू मूव ऑनवर्ड यू विल फाइंड कि जब आप किसी भी सब्सटेंस को गर्म करते हैं, व्हेन यू हीट, व्हेन वी हीट अ सब्सटेंस इट्स साइज इंक्रीजेस, इसका साइज जो है वो बढ़ जाता है। दिस इंक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड एक्सपेंशन ऑफ मैटर। तो ये जो साइज जो बढ़ता है, ये जो इंक्रीज होता है साइज में, इसको कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ मैटर, मतलब कि मैटर का विस्तार। ऑन हीटिंग ए सब्सटेंस द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीजेस एंड द स्पेस बिटवीन देम ऑल्सो इंक्रीजेस। तो देखो होता क्या है कि जब आप किसी भी चीज को गर्म करते हो किसी भी सब्सटेंस को, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनकी हलचल, उनका भागदौड़ जो है बढ़ जाता है, और इसकी वजह से उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो स्पेस है वो भी बढ़ जाता है। सो द सब्सटेंस एक्सपेंड्स, इसी वजह से सब्सटेंस जो है वो फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, टू ओपन अ टाइट मेटल लिड ऑफ अ जार वी डिप इट इन टू हॉट वाटर बिकॉज द हीट ऑफ वाटर कॉजेज द लिड टू एक्सपैंड अ लिटिल एंड इट ओपन्स आउट इजीली। अगर मान लो कि कोई मेटल का मेटल का ढक्कन लगा हुआ कोई जार अगर है, शीशे का जार जिसके ऊपर मेटल का ढक्कन लगा हुआ है, इसको अगर आपको ओपन करना है अगर, तो आप इसको क्या करिए, तो गर्म पानी में डाल दीजिए। गर्म पानी में क्या हो जाएगा, पानी की गर्मी जो है वो उस ढक्कन को जो है फैला देगी और फिर थोड़ा सा, और फिर वो इजीली खुल जाएगा। ये एक्टिविटी जो है वो आप करके देख सकते हैं, ऑल्दो लाइक घर पे इसको करना सेफ नहीं रहेगा, बट ये यही दिखाता है एक्टिविटी किस तरह से किसी मैटर को जो है गर्म करने पर वो एक्सपैंड होता है। दूसरी तरफ जब आप किसी सब्सटेंस को ठंडा करते हैं देन इट्स साइज डिक्रीजेस, तब इसका साइज जो है घटता है। दिस डिक्रीज इन साइज ऑफ मैटर इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर। तो ये जो साइज घटता है किसी भी मैटर का, इसको कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मैटर, मतलब मैटर का सिकुड़ना। नाउ ऑन कूलिंग द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्लोज डाउन। जब आप ठंडा करते हैं तो मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं, हम लोगों, आप लोगों ने देखा था ना बेसिकली लाइक वाटर मॉलिक्यूल या सॉलिड के अंदर मॉलिक्यूल्स, तो किसी भी सब्सटेंस के अंदर जो है यही मॉलिक्यूल्स जो होंगे, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स जो होंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे ही ठंडा करिएगा तो उन पार्टिकल्स का मूवमेंट जो होगा, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट जो होगा वो घट जाएगा, ठीक है, और दे बिकम क्लोज टू ईच अदर। तो वो जो है एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं एंड स्पेस बिटवीन देम डिक्रीजेस, और उनके बीच का स्पेस जो है वो घट जाता है। सो द मैटर कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए वो मैटर जो सिकुड़ जाता है। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रिक केबल्स डू नॉट अपीयर लूज इन विंटर व्हाइल दे हैंग लूजली फ्रॉम पोल्स इन समर। बिजली का तार जो होगा वो विंटर में आपको जो है ढीला नहीं लगेगा, लेकिन वो गर्मी में जबकि वो लटकता हुआ दिखेगा। सो वेल दैट इज वॉट वी दैट आई मीन दैट दैट शुड बी एनफ फॉर टूडेज लेसन, राइट। हमने जो है सॉलिड लिक्विड और गैस को देखा, वाटर में उनका क्या बिहेवियर होता है, राइट। कुछ जो है वो डिजॉल्व होते हैं, कुछ डिजॉल्व नहीं होते हैं, और फिर हमने देखा कैसे गर्म होने पर कोई मैटर जो है वो एक्सपैंड करता है और ठंडा करने पर वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, सिकुड़ता है। नाउ नेक्स्ट वी विल लुक एट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, बट लेट अस कीप दैट फॉर द नेक्स्ट सेशन। ओके, बाय बाय।